आपका स्वागत है घर की रसोई बाय रेखा में। आप लोग कैसे हैं? आई हो आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं नाश्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ। चलिए, उसके लिए जो सामग्री चाहिए मैंने ले ली है। 2 बॉयल आलू को ले लिया है, पोहा है 1 बाउल में जिसे खूब अच्छे से धोकर ले लिया है, 3 ब्रेड का ब्रेड क्रम्स बनाकर रख लिया है और सोया चंक्स है जिसको मैंने बॉयल करके लिया है, और ये मूंगफली के दाने को पहले रोस्ट किया फिर उसे दरदरा पीस लिया है, 3 हरी मिर्च को काट कर रख लिया है, ये जीरा पाउडर है भुना हुआ, 1/2 चम्मच गरम मसाला है, धनिया काट कर ले लिया है, काला नमक है, सादा नमक है, जीरा, 5 चम्मच अरारोट ले लिया है। चलिए बनाते हैं। सोया चंक्स का इस तरह से पानी निचोड़ लेंगे, खूब अच्छे से। चलिए पीस लेते हैं। देखिए इस तरह से सोया चंक्स को पीस कर ले लिया है, दरदरा ही पीसना है। अब इसी में बॉयल किया हुआ आलू को ले लेंगे, मैशर से मैश कर लेंगे, दूसरे आलू को भी ले लेंगे और इस तरह से मैश कर लेंगे। ये आलू मेरा मैश हो चुका है अच्छे से। अब इसी के साथ डालेंगे पोहा, हरी मिर्च डाल देंगे। मैंने 3 हरी मिर्च को डाला है, आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। भुना हुआ जीरा पाउडर, मसाला 1/2 चम्मच है, ये धनिया जो मैंने काट कर रखा था, ये जो मैंने मूंगफली भून कर और इसको जो है कि दरदरा पीसा है वो ले रहे हैं, 1/2 चम्मच जीरा, स्वाद के अनुसार नमक लेंगे, 1/2 चम्मच डाल रहे हैं, आप अपने अनुसार थोड़ा कम या ज़्यादा कर लीजिएगा, थोड़ा सा काला नमक डालेंगे और अब मिलाएंगे, हाथ से ही मिला लेंगे। इसका एक नरम डो बनाएंगे। चिली फ्लेक्स मैंने बाद में डाला है और अच्छे से मिला लेंगे। डो तैयार हो गया है, अब इसको रखते हैं साइड में। चलिए अब अरारोट का घोल तैयार कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और घोल को तैयार करेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार और कुटी हुई काली मिर्च। इस तरह का घोल तैयार करना है। चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। थोड़ा मसाला लेंगे और इस तरह से बनाएंगे। आप अब चाहें तो गोल बना लें, मैं ओवल बना रही हूँ इस तरह से, और रखते जाएंगे। इस तरह से बनाकर रखेंगे। देखिए कटलेट बनकर तैयार है। अब मैं इसे इसमें डिप करूंगी और इस तरह से ब्रेड क्रम्स को लगाएंगे।
इस तरह से डिप करना है आरारोट में, और ब्रेड क्रम्स को इस तरह से लगा कर रखना है। एक बार बनाइएगा ज़रूर, बहुत टेस्टी बनेगा। इसी तरह सभी में घोल लगाकर और ब्रेड क्रम्स को लगाकर रखेंगे। देखिए हमारे सारे कटलेट बनकर तैयार हैं। अब चलिए गैस की तरफ चलते हैं और सेलो फ्राई करेंगे। देखिए गैस पर तवा को रख दिया है और ऑयल भी डाल दिया है इसमें। गैस भी ऑन है, ऑयल गर्म हो चुका है और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब इसमें डालेंगे कटलेट। गैस की फ्लेम मीडियम होगी और इसको उलटते पलटते सेकेंगे। थोड़ा कम ही कटलेट को डालेंगे, पलटने में दिक्कत ना हो। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। सभी को पसंद आएगा, इसे सुबह भी बना सकते हैं आप और चाय के साथ शाम को भी बना लीजिए। कोई गेस्ट आए तब भी बनाकर आप खिला सकती हैं, बहुत टेस्टी बनता है। गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। झटपट तल जाता है। उलटते पलटते रहें, सभी तरफ सिक जाए आराम से अच्छे से, और इसका कलर भी खूब अच्छा सा आएगा। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देते हैं। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी कटलेट बनकर तैयार होगा। जो भी खाएगा एक बार ज़रूर पूछेगा कि आपने कैसे बनाया। गर्मा गर्म कटलेट बनकर तैयार है। मैंने इसे हरी धनिया की चटनी के साथ सर्व किया है। आप इसे चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स अवश्य कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।